नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और जनमन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। 9 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस के जश्न में खलल डालने की फिराक में है। 26 जनवरी पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी देश में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे हैं और आतंकियों के निशाने पर दिल्ली और पंजाब के अलावा अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर भी है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट्स मिला है, गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर में पुख्ता सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब राम मंदिर का जो नींव पड़ गई है उसको अब हिलाने का क्षमता किसी आतंकवादी में नहीं है। ...2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, करीब 50% काम पूरा हो चुका है। अगले साल मकर संक्रांति तक मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, लेकिन प्रभु श्री राम के इस मंगल काज पर आतंक की नापाक नजर है। कोई भी शुभ काम में कोई न कोई बाधा आती है, इसे राम मंदिर तो सदियों विवादित रहा है, किंतु जिस प्रकार से आतंकवादी और इस प्रकार से योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, वह सोचना उनके गलत है, क्योंकि अब राम मंदिर का जो नींव पड़ गई है उसको अब हिलाने का क्षमता किसी आतंकवादी में नहीं है। दरअसल रविवार को दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों से आईबी को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी राम मंदिर पर हमले की बड़ी साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद 26 जनवरी के इर्द गिर्द मंदिर पर हमले का प्लान बना रहा है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी आत्मघाती हमलावर का दस्ता भेजकर अयोध्या को लहूलुहान करना चाहते हैं। कि इस समय हमारी एजेंसियां सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है, और जो भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, आपसी भाईचारे और सौहार्द का जो आज देश में वातावरण है, इससे पड़ोसी मुल्क के कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, भारत के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। तो सरकार को पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए और ये व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी दशा में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पे आतंकी हमले न हो पाए और साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पहल करे भारत की सरकार। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत आकर अयोध्या पर हमले की तैयारी में है, लिहाजा खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के बाद से यूपी पुलिस ने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है ताकि आतंक के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।